यूनिफॉर्म सिविल कोडनो हजी सुधी कोई मुस्लिम संगठने सत्तावार रीते विरोध कर्यो नथी। मीडियानी साथेनी वातचीतमां पोतानो अभिप्राय जरूरथी रजू कर्यो छे। हवे आ मुद्दे एक मौलानानो वीडियो सोशियल मीडियामां वायरल थयो छे। आ वीडियो तमाम लोकोए सांभळवो जोईए अने जोवो जोईए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा जोर शोर थी थई रही छे। कायदा पंचे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देशनो अभिप्राय मांग्यो छे। केटलाक मुस्लिमो तेनो विरोध करता पण जोवा मळ्या, परंतु सत्तावार रीते कोई मुस्लिम संगठने तेनो विरोध कर्यो नथी। सोशियल मीडियामां वायरल थई रहेला वीडियोमां एक मौलानाए मुस्लिम समाजने सवाल कर्यो छे के आखरे तमे शा माटे विरोधमां आगळ वधी रह्या छो। कायदा पंचે હજુ સુધી યુસીસી પર કોઈ બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરી નથી અને કોઈ પ્રસ્તાવ પણ આપ્યો નથી। बिहार में छठ होता है, बिहार से बाहर छठ करने वाला छठ नहीं करता। जो बिहारी नहीं है वो छठ जानता भी नहीं। पता नहीं कितने किस्म का कैलेंडर है उनके यहां भी पूजा के अलग अलग अंदाज हैं। साउथ और नॉर्थ, आप दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण का खाना पीना पहनना ओढ़ना बोलना चालना हंसना रोना सब अलग है, उत्तर आइए सब अलग है। तो इनको भी तो फिक्र होगी, आप ही क्यों फिक्रमंद हो? आप रुको, ठहरो, आप बढ़ने दो दूसरे को आगे, दूसरे लोग आगे बढ़े। आसाम का ट्रेडिशन अलग, गुजरात का ट्रेडिशन अलग, एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में। तो पहले, और एक बात और है, किसी चीज पर रिएक्ट करने के लिए, रद्दे अमल देने के लिए, किसी चीज पर तनकीद करने के लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। अभी तो ये भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, क्या होगा, कैसा कानून होगा। ये बेमकसद की बात शुरू की गई और सारे तबके को परेशान हाल बना दिया गया। इत्मीनान रहिए, मुतमईन रहिए, अपना रिएक्शन देने में जल्दबाजी मत कीजिए। मौलानाए मुस्लिम सिवाय हिंदू बौद्ध पारसी ख्रिस्तीना पोतपोताना कायदा होवानी बात करी छे। वक्त आवेगा, देखा जाएगा कि क्या वो करते हैं, कैसे वो करते हैं। उनके यहां भी बहुत से इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात को वो कैसे एक करते हैं और सब मिलकर कैसे पाट लेते हैं। जैसे आपके यहां विरासत का कानून है, वैसे ही उनके यहां भी विरासत का कानून है। वो भी अपनी विरासत के सिलसिले में अपना कानून रखते हैं। ईसाई का अपना कानून, हिंदुओं का अपना कानून, बौद्धों का अपना कानून, पारसियों का अपना कानून, मुसलमानों का अपना कानून। जब इस मसले में कोई नक्शा साफ होगा तब हम लोग रिएक्ट करेंगे और हम लोग इस सिलसिले में सोचेंगे। अभी बहुत ज्यादा परेशान होना, अपनी हरारत बढ़ा लेना, अपना बुखार बढ़ा लेना, परेशान होना कि हमको क्या करना है। ये वोटिंग नहीं है कि हर आदमी जाके वोट दे आवे, रेफरेंडम नहीं है कि हर आदमी जाके अपनी राय दर्ज करा दे। वीडियो क्लिप में मौलाना कही रहा छे कि ए पण समझवू जोईए कि जे लोको काम करी रहा छे ते देश माटे घणा ईमानदार नथी। ईमानदारी अने सच्चाई साथे आ काम थई रह्युं नथी। आजकाल देशमां जे काम थई रह्या छे ते राजकीय फायदा माटे करवामां आवे छे। ब्यूरो रिपोर्ट,